ओम शांति। आज बाबा के 24 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदानी दिवस पर सबसे पहले हम सभी वरदानों के दाता शिव बाबा का दिल से थैंक्स करते हैं, जिन्होंने सतगुरु के रूप से हमें श्रेष्ठ श्रीमत दी, वरदान दिए। आज दिल की गहराइयों से कह देंगे, वहाँ सतगुरु, वहाँ जो आपने हमें श्रीमत देकर, वरदान देकर वरदानी मूरत बना दिया। आज हम स्वयं के लिए सदा शक्ति संपन्न बनने का दिव्य वरदान लेंगे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अनेक आत्माओं को भी मिलकर शक्ति का दान देंगे। कोई भी किसी भी मोड़ पर कभी कमज़ोर ना हो, ऐसा मन में शुभ संकल्प करेंगे। हर एक आत्मा को वरदान देते देते स्वयं वरदानों से भरपूर अवस्था का अनुभव करेंगे। आज बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चाबी से चलता है। आप चलते फिरते भी अपने को आत्मा समझो, ये पक्का पक्का अभ्यास करो कि मैं देह से अलग शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस एक अभ्यास से आप निर्भय बन जाएंगे। निर्भय बनने का सहज साधन है आत्मिक स्वरूप में टिकना और ये महसूस करना कि शरीर रूपी खिलौना मुझ आत्मा रूपी चाबी से चल रहा है। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि मनुष्य को देवता बनाने का कार्य केवल शिव बाबा ही करते हैं और उसके लिए वो हमें श्रीमत देते हैं। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं वही देवी देवता बनते हैं। बाबा की ही महिमा है एक ओंकार निराकार कर्ता पुरख। बाबा ने कहा इस समय बाबा आकर के तुम्हें जो श्रीमत दे रहे हैं इससे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। अपनी आत्मा रूपी बैटरी को बाबा के साथ योग लगाकर फुल चार्ज करना है। यहाँ अपने मन बुद्धि को भटकाना नहीं है। फिर बाबा ने कहा जोश में आना भी मन का रोना है, कभी भी जोश में नहीं आना। आज हम अटेंशन रखेंगे कि हमें छोटी छोटी बातों में अपने होश को खो नहीं देना, जोश और होश का संतुलन रखना है। बाबा को याद करके खुद को शक्तिशाली बनाकर रखना है। हर एक आत्मा को दिल से वरदान देना है कि वो भी शक्ति संपन्न बने, शक्तिशाली बने। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। आज हम सुनते हैं प्यारे शिव बाबा के मधुर महावाक्य। तो आज बाबा की विशेष शिक्षा है कि शरीर एक खिलौना है, ये आत्मा रूपी बैटरी चाबी से चलता है। तो इसलिए हम जितना अपने को आत्मा निश्चय करेंगे उतना निर्भय बनते जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चेतन चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते खेलते नीचे आई, इससे उसे कौन सा नाम देंगे? कठपुतली। कठपुतली ऊपर से नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते खेलते नीचे पहुंच गए हो। अब आप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। श्रीमत, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। गीता है,
महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमा देते हैं। कभी कोई चलन ऐसी अच्छी नहीं होती तो लौकी माँ बाप भी कहते हैं ना कि तुमको भल ऐसी श्रीमत ऐसी मत ईश्वर देवे। बेचारों को ये पता नहीं कि ईश्वर सचमुच श्रीमत देते हैं। अब तुम बच्चों को ईश्वरी मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमें कितनी श्रेष्ठ ऊंची मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही शिव बाबा है। सिख लोग भी गाते हैं मनुष्य से देवता की एक कर्तन लागी वार। तो ज़रूर मनुष्य से देवता बनाने की श्री मत देते हैं। उनकी महिमा गाई जाती है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय। हम सब निर्भय हो जाते हैं तो इसलिए अपने को आत्मा समझते हो ना, क्योंकि आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाप कहते निर्भय बनो, भय फिर कहेगा तुमको कोई भय नहीं। तुम अपने घर में बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहो। बाप कहते निर्भय बनो। अब श्रीमत कौन देता है, किसको देता है, ये बातें गीता में तो है नहीं। अब तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलो, माँ मेकम याद करो। पतित बन गए हो तो बाप को याद करेंगे तो पावन बनेंगे। बाप की ये श्रीमत है। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है, जब हम आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं। बहुत आकर श्रीमा लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मंगल मिलन मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे आत्माएं भी निराकार है। हम आत्मा हैं ये पक्की पक्की आदत डालनी है। हम आत्मा हैं ये पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो शरीर कुछ कर ना सके। ऐसे तुम हो चेतन खिलौने। खिलौने को चाबी ना दी जाए तो खिलौना काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चेतन चाबी है और ये अविनाशी है, अमर चाबी है। इनको भी चाबी अविनाशी मिली है। 5000 वर्ष इनकी चाबी चलती है। चेतन चाबी होने के कारण ये चक्र सदा फिरता ही रहता है। आत्मा सृष्टि रूपी चक्र में पाठ बजाती रहती है। ये है चेतन खिलौने। बाप भी चेतन आत्मा। जब चाबी पूरी हो जाती है फिर बाप नए सिरे से आते हैं। फिर आकर युक्ति बताते कि मीठे बच्चे मुझे याद करो तो फिर चाबी लग जाएगी, अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने से फिर भरा जाता है, अभी तुम्हारी आत्मा समझती है कि हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। पेट्रोल भरने की युक्ति है बाबा की याद। पेट्रोल खाली होती तो उसमें पावर भरी जाती है ना। तो बैटरी खाली होने से लाइट खत्म हो जाती, अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतनी आत्मा में शक्ति भरती जाएगी। फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाए फिर धीरे धीरे बैटरी खाली हो जाती। फिर हम आत्माएं सतो प्रधान से सतो रजोतमों में आई हैं। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने।
अथवा बैटरी को भरने। तो बाबा कहते, बाबा की जा से बैटरी को भरना है, क्योंकि सबका सदगति दाता ही बाप है। बाप कहते, मेरे साथ योग लगाओ, अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती जाएगी। जितना बाबा को याद करेंगे, हमारी आत्मा में शक्ति भरती जाएगी, फिर 84 जन्म पूरा पाठ बजाते रहेंगे। जैसे ड्रामा में कठपुतली नाचती है ना, तुम आत्माएं भी ऐसी कठपुतली समान हो, ऊपर से उतरते उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ गए। फिर बाप आते हैं, ऊपर चढ़ने की युक्ति बताते हैं। ये तो खिलौना है, बाप हर बात का अर्थ समझाते हैं। फिर भी बाबा कहते, समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। ईश्वर ने तो श्रीमा दी कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। बाबा तो हमें शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ बन जाएगी। ये टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमा तो सबको देते रहते, अभी तुम फील करते हो कि बाबा की श्रीमत पर चलने से हम आत्मा रूपी बैटरी भरती जा रही है। हम आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाते हैं। इस समय तुम्हें श्रीमत मिली, ये हुआ संगम युग आत्मा और परमात्मा के मंगल मिलन का। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं, तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुम्हें बाप शिक्षा देकर बदल रहे हैं। तुम कहेंगे, हाँ बाबा, कलब कलब हम ऐसे बदलते आए, बदलते रहेंगे। ये चैतन्य बैटरी है ना, वो है जड़। बच्चों को अब मालूम पड़ा कि 5000 वर्ष के बाद बाप आए हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत भी देते हैं, ऊंचे तो ऊंचा भगवान की ऊंची मत मिलती है, जिसे हम ऊंच बन जाते हैं। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो कि तुम ईश्वर की संतान आत्मा रूप में हो। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वो है सबका सदगति दाता, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसी के द्वारा मत देंगे ना। तुम भी आत्मा हो, तुम भी शरीर के द्वारा बातचीत करते हो। शरीर बगैर तो आत्मा कुछ कर ना सके। निराकार बाप भी कैसे आए, उसके लिए गायन है कि वो रथ पर आते हैं। तो रचता बाप को यहाँ ही आना पड़े। पति दुनिया में आकर हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा शिक्षा देकर पावन बनाते हैं, जहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। तो बाबा कहते, कोई भी बात समझ में ना आए तो श्रीमत लेते रहो, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन सकते हो। जो समझते नहीं वो क्या पद पाएंगे। जितना समझेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा, बच्चे हड्डी हड्डी सेवा में सहा करनी है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस पर, कई बच्चे कहते हैं, बाप की सर्विस पर हड्डी देने को तैयार हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सर्वगुण संपन्न बनना है, तो हर प्रकार की सेवा चाहिए। बहुत बच्चियां तड़पती हैं सर्विस के लिए कि बाबा हमें बंधन से छुड़ाओ, सर्विस में लग जाए, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अब इस रूहानी सेवा से ही तुम्हारी चढ़ती कला होती। हर एक समझ सकते हैं कि फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं जो सेंटर भी संभाल सकती हैं, परंतु वो है सुखदाम, यह है दुखदाम। सुखदाम में चलना है तो अनेकों की सेवा कर आप समान बनाना है। यहाँ वहाँ बीमारी आदि कोई भी नहीं होती, बुद्धि से भी काम लेना पड़ता है।
समझना चाहिए, हम तो बहुत कम पद पा लेंगे जो सेवा नहीं करेंगे। बाबा कहते समझना चाहिए, हम तो बहुत कम पद पा लेंगे क्योंकि सर्विस तो करते नहीं, सर्विस से ही पद मिलता है ना। फिर बाबा कहते अपनी जांच करो, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा कितनी सर्विस करते आए, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, बाहर नौकरी में भी हैं, उनको कहा जाता हाफ पे पर छुट्टी लेकर भी सेवा करो क्योंकि इस समय तो सेवा का ही महत्व है, कोई हर्जा नहीं। तो बच्चे की दिल पर तो उसी तख्त पर बैठेंगे, जो इस समय बाबा की दिल पर बैठेगा भविष्य उसी तख्त पर बैठेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे विजय माला में आ जाते, अर्पण भी होते, सर्विस भी करते। कोई बल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो भी पद कम पाएंगे। ये नहीं है कि बाबा के घर आ गया सेवा नहीं करे तो भी हमारा पद कम है, कई घर ग्रस्त में रहकर भी सर्विस भी करते हैं पद ऊंच पद लेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इस समय हमें श्रीमत पर चलना है। दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से तो रजाई पद पाएंगे। ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा, कोई समझ भी नहीं सकता कि बाप समझाते तुमने 84 जन्म लिए, तुम्हें ही अब ऊपर जाना है। बहुत इजी, तुम कलब कलब समझते हो पर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं ना, बहुत याद प्यार उनको देंगे जो इस समय सर्विस में तत्पर रहेंगे। तो अपनी जांच करनी है कि मैं कितना बाबा के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर, पढ़े लिखे के आगे भरी डोएंगे, माने उनके आगे नौकर चाकर बनेंगे। बाप तो समझाते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करो, परंतु देहाभिमान से फिर गिर जाते हैं। मुख्य बात है देहाभिमान की कड़ी बीमारी। सतयुग में देहाभिमान का नाम निशान नहीं होगा, वो वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। ये यहाँ ही बाप समझाते हैं, इस समय श्रीमत देते हैं, और कोई ऐसी श्रीमत दे ना सके कि अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। ये मुख्य बात है, लिखना चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में जो शिव की पूजा करते हैं वह अव्यभिचारिक याद। अब ज्ञान तो सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब भक्ति अव्यभिचारी एक ही शिव बाबा है जो तुमको इस समय ज्ञान समझा रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। उस सागर से रतन निकलते हैं, उस इस सागर की बात नहीं है, ये तो स्थूल सागर है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, ये ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। तुम बाबा के ज्ञान रत्नों को चुगते हो, आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े, अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो। ये पारसनाथ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, वास्तव में लक्ष्मी नारायण या पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रद्दे बच्चों प्रीत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, रोज हमारी बुद्धि को खोलते और हमें ज्ञान रतन दे दे करके हमें देवता स्वरूप बनाते हैं।
अवैधारणा के लिए मुख्य सार, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वह चुगने हैं, पत्थर नहीं। देहाभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरा, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। आज का वरदान है, सर्व संबंध सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि मैं सब बातों में अनुभवी बनी हूँ। यदि किसी बात के अनुभव की कमी है तो समय स्वयं को संपन्न बना लो। एक भी संबंध या गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज या संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुण व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करने वाले ही संपूर्ण मूर्त बनेंगे, क्योंकि सद्यु में हमें बनना है सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो उसका पुरुषार्थ अभी करना है। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने, उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।